राइट को सेटल करवाते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो हमारा एफआरए का सर्टिफिकेट है वो हमेशा लगता है जब हम एमओईएफ से किसी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए डाइवर्ट करते हैं, तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि एफआरए का सर्टिफिकेट जो है वो लगना होता है। उसके लिए हम प्रोसेस कंप्लीट करते हैं ये वाला। कम शेड्यूल ट्राइब मिलेंगे, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो जंगलों के ऊपर निर्भर हैं। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास जरूरत नहीं है हम बिल्कुल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसको सेटल करने की, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, आपको एक्ट की अनुपालना करनी पड़ेगी और आपको सेटल करने पड़ेंगे राइट। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम राइट सेटल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है, प्रोसेस हमें उसी तरह में फॉलो करना पड़ेगा। तो प्लीज आप में से कोई भी बता दीजिए कि अभी तक जो आपकी एफआरसी बनी है वो कैसे बनाई है और एफआरसी काम क्या करती है, बस थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए, तो हम 1 घंटे में इसको खत्म करेंगे। तो आप में से अभी बताइए जल्दी से कोई भी कि क्या कर रहे हैं अभी तक इसमें। पंचायत सचिव पास कर, पंचायत सेक्रेटरी है, बताइए, चुप नहीं बैठेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, जल्दी से बताइए, जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। क्या फांसी करके रहा है, क्या रोल निभा रही है फांसी, कोई भी बताइए, जल्दी से बताइए प्लीज, टाइम कम है हमारे पास। हाँ जी, कमेटी तक ही सीमित है ना, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको कितनी क्लैरिटी है ताकि मैं उस तरह से काम कर पाऊँ।